गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑनलाइन क्लास और मेरा आज का विषय है मैथ्स यानी गणित और आज मैं चैप्टर नंबर वन को लेकर चल रही हूँ जिसका नाम है लार्ज नंबर्स सो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है नंबर्स तो आपको पता ही है नंबर्स क्या होते हैं जैसे काउंटिंग है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सब क्या है नंबर्स तो देखिए क्या दिया गया है वी नो दैट द लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर इज़ नाइन 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 ये तो हमने क्या है इंडिविजुअली सभी नाइन को अलग अलग कहा है लेकिन देखिए हम इसे कैसे रीड करते हैं इट इज़ रीड एज़ नाइन करोड़ इंटी नाइन लैख नाइन्टी सबसे पहले देखिए आप क्या आता है लार्जेस्ट डिजिट नंबर अब आप मैं आपको नोटबुक पे ये करके दिखा रही हूं क्या आ रहा है लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या है लार्जेस्ट डिजिट नंबर हम क्या करते हैं ओनली सिंगल डिजिट को काउंट करते हैं तो जैसे हम नंबर लिखते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन क्या हो गया टू डिज़िट का नंबर हो गया इसलिए लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा नाइन और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर तो क्या बन जाएगा Largest four digit number वो क्या हो जाएगा नाइन 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 लेकिन अब हम इसे क्या है कैसे पढ़ेंगे नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन और इसे रीड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में तो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट इसे हमें दो तरह का बताया गया है एक तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट तो चलिए आज हम आपको बताएंगे किसके बारे में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में, में. देखिए बच्चे ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारा यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है ये कौन सा प्लेस वैल्यू चार्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो देखिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है ये कितने कॉलम्स है वन टू थ्री फोर फर्स्ट इज़ वंस सेकेंड थाउजेंड्स थर्ड लैक्स एंड फोर्थ इज करोड्स ये क्या है हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है एक राइट हैंड साइड होती है तो देखिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट में हमेशा कहाँ से राइट करना स्टार्ट करते है? राइट हैं राइट हैंड साइड से कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ये राइट हैंड साइड से तो देखिए वंस के अंडर क्या क्या आता है वंस वंस मीन्स अकेला जो बिल्कुल अकेला है टेंस यानी उसमें क्या इंक्लूड है टेन फिर क्या है हंड्रेड्स वन थाउजेंड ये थाउजेंड्स के अंडर आते हैं वन थाउजेंड टेन थाउजेंड ये यहाँ पे फिनिश हो गया आगे क्या है लैक्स वन लैख टेन लैक्स फिर क्या है वन करोड़ टेन करोड़ ये किसके अंडर आते हैं करोड़ के अंडर तो देखिए जो हमारा वंश पीरियड है वंश क्या है मुखिया है परिवार का हेड होता है ना जैसे ये हेड है इसका और इसकी फैमिली के कितने मेंबर है थ्री वन टू थ्री थाउजेंड्स क्या है थाउजेंड की फैमिली का मुखिया है तो इसके परिवार में कितने मेंबर्स है टू ऐसे ही लैक्स की फैमिली में लैक क्या है मुखिया है और इसके मेंबर है टू ऐसे ही करोड़ के मेंबर है टू तो देखिए आपको क्या कहा गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल सी द नंबर यहीं देखिए क्वेश्चन में फॉर एग्ज़ाम्पल सी द नंबर टू थ्री फाइव सेवन टू वन टू फाइव फोर और नाइन डिजिट नंबर ये कितने डिजिट का नंबर है नाइन डिज़िट का नंबर इन द अबव प्लेस चार्ट जो ऊपर प्लेस चार्ट दिखाया गया है इसमें ये क्या है नाइन डिजिट का नंबर है तो हम इसे कैसे रीड करेंगे तो चलिए पहले मैं ये प्लेस वैल्यू चार्ट में आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसे राइट करना स्टार्ट करती हूँ देखिए ये क्या है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने बनाया है और आपको नंबर क्या दिया गया है कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से सबसे पहले देखिए क्या आएगा फोर देन फाइव देन टू देन वन देन टू एंड देन सेवन फाइव थ्री टू ये कितने डिजिट का नंबर हो गया नाइन डिजिट का तो देखिए टू के हेड के ऊपर इनके सिर के ऊपर देखिए आप क्या है टू के हेड के ऊपर भी करोड़ है थ्री के हेड के ऊपर भी करोड़ है यानी ये दोनों किसकी फैमिली से एक ही फैमिली से है करोड़ की फैमिली से है तो हम इन दोनों को इकट्ठा रीड करेंगे क्या बन गया ये टू एंड थ्री ये दोनों इकट्ठे हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे ट्वेंटी थ्री किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये करोड़ तो क्या लिखेंगे ट्वेंटी थ्री करोड़ आगे देखिए इसके हेड पे भी लैक्स है और इसके हेड पे भी लाख है ये भी दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हो गए तो अभी इन्हें भी दोनों को इकट्ठा रीड करेंगे ये क्या बन गया फिफ्टी सेवन लैख क्या बन गया ये फिफ्टी सेवन लैख अब देखिए आगे क्या है टू के सिर पे भी थाउजेंड है और वन के सिर पे भी थाउजेंड है ये क्या बन गया ट्वेंटी वन थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन, वन क्या बन गया ये किसकी फैमिली से है ये थाउजेंड त्वेंट ट्वेंटी वन थाउजेंड अब देखिए ये ट्वेंटी वन थाउजेंड तक हमारा क्लियर हो गया अब टू के सिर पे क्या है हंड्रेड फाइव के सिर पे क्या है टेंस फोर के सिर पे क्या है वंस टू के सर पर क्या है हंड्रेड तो लिखिए टू हंड्रेड ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना तो टू के हेड पे क्या है हंड्रेड और इन दोनों को भी हम अलग अलग नहीं करेंगे टेंस यानी जो फाइव की प्लेस वैल्यू वो क्या है टेंस है यानी ये ऐसे बना है फाइव इंटू टेन ये क्या बन गया फिफ्टी और ये क्या है वंस तो ये दोनों क्या हो गए फिफ्टी फोर ये क्या हो गया आपका फिफ्टी फोर ये किया है मैंने फ़ाइव इसकी प्लेस वैल्यू क्या है टेंस यानी फाइव इंटू टेन क्या हो गया फिफ्टी और वंस इसमें ऐड हो जाएगा ये क्या बन गया अभी ने भी इंडिविजुअली नहीं करेंगे टू हंड्रेड फिफ्टी फोर अब ये आपका क्या बन गया ट्वेंटी थ्री करोड़ फिफ्टी सेवन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी फोर अब इसी के अकॉर्डिंग आप कॉमर्स बुट कर देंगे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए देखिए ये क्या है टू थ्री फाइव सेवन टू वन टू फाइव फोर अब देखिए इसमें आप कॉमास कैसे लगाएंगे वंस टेन्स हंड्रेड ये तीनों एक ही फैमिली से हैं लगाइए कॉमा फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड लगाइए कॉमा ये थाउजेंड की फैमिली से है लैख टेन लैख ये दोनों एक ही फैमिली से है आगे करोड़ टेन करोड़ इसी तरह इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि आप ये टू आपको एक दो स्टेटमेंट और देती हूँ और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी देखिए जैसे अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ फाइव फोर थ्री टू क्या है हमारे पास देखिए फाइव फोर थ्री टू तो कैसे आप इसको कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे देखिए टू थ्री फोर फाइव तो देखिए अब इसी के भी हाफ पे इसे सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे इसे सॉल्व देखिए ये क्या है फाइव फाइव के हेड पे क्या है थाउजेंड फाइव के हेड पे क्या है थाउजेंड तो देखिए ये क्या बन गया फाइव थाउजेंड क्या बन गया ये फाइव थाउजेंड देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है फाइव फोर थ्री टू ये बन गया फाइव थाउजेंड क्योंकि थाउजेंड की फैमिली का और कोई मेम्बर नहीं है ओनली फाइव क्या है अकेला है आगे फोर के हेड पे क्या है हंड्रेड तो क्या लिखेंगे फोर हंड्रेड थ्री थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस और टू इन दोनों को इकट्ठा लिया जाएगा ये क्या बन गया फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी टू इसी तरह से आप इनमें कॉमर्स लगाने हैं तो वो कैसे लगा देंगे वन टेंस हंड्रेड ये तीनों एक ही फैमिली के हैं और ये क्या है थाउजेंड की फैमिली से हैं तो आप इस वीडियो को देखकर इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट वाले थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे